फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट यहां पर आ चुकी है। दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के वीडियो में जानने वाले हैं कितनी पोस्ट होगी, कितनी सैलरी रहने वाली है, क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, साथ में आपको कैसे अप्लाई करना होगा, कितनी फीस रहने वाली है, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें, वैकेंसी जो निकाली गई है वो होने वाली है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल से वैकेंसी है आपके लिए। यहां पर टोटल 742 वैकेंसीज रिलीज की जा रही है, जिसमें सभी की वैकेंसीज होने वाली है। और यहाँ पर पूरी डिटेल में हम आप इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं और नोटिफिकेशन के लिए अभी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर जिसमें बीटेक मांगा गया है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की है जिसमें बीएड मांगा गया है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की है। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जीएनएम मांगा गया है, स्टेनोग्राफ फार्मासिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है जिसमें डी फार्मा बी फार्मा मांगा गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर मांगा गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की भी यहाँ पर पोस्ट होने वाली है, डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पर, कारपेंटर सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो इन सब के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो इसके लिए हम चलते हैं आगे नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन की तरफ हम आ चुके हैं। वैकेंसी सर्कुलर यहाँ पर रिलीज किया गया है, सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर पोस्ट है जिसमें कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट है, नॉन गजेटेड होने वाली है, ग्रुप बी की आपके लिए पोस्ट है सशस्त्र सीमा बल से जो कि परमानेंट होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर एज अंडर, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की बात करें फीमेल नर्स की जो कि 29 वैकेंसीज रिलीज की गई है। यहाँ पर 10% वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व्ड दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स जो भी हैं वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर स्टाफ नर्स फीमेल और सब इंस्पेक्टर सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 6 रहने वाला है। सैलरी आपकी यहाँ पर 1,12,400 तक रहने वाली है। तो यहाँ पर अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं, राशन मनी यहाँ पर अलाउंसेज है, वॉशिंग अलाउंस यहाँ पर सब मिलने वाले हैं आपको। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर फीमेल के लिए 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 साथ में 3 इयर्स का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मांगा गया है, मस्ट बी रजिस्टर्ड यहाँ पर लिखा गया है सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से मांगा गया है। इसके बाद लास्ट डेट की हम बात करें तो क्लोजिंग आपकी डेट रहने वाली है यहाँ पर 30 डेज, तो 10 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो 10 जून आपकी यहाँ पर 9 जून या 10 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, फीस पे करनी होगी 200 रुपीज़ जो कि ऑनलाइन पे करनी होगी आपको। एससी एसटी के लिए यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा जो कि ऑफिशियल साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट आप यहां देख सकते हैं ssbrectgo.in। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर लिखा गया है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पर क्लिक करना है आपको और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर रजिस्टर्ड कर पूरा फिलअप कर आप भर सकते हैं। तो यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। यदि अदर वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन भी आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ पर आपका 7 CPC के अनुसार ही सैलरी रहने वाली है, अलाउंसेस भी रहने वाले हैं आपके 7 CPC के अनुसार, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की जा चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।
फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर हैं, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इन केस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।